नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो कंप्यूटर सहायक की जो वैकेंसी निकाली गई है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़ के द्वारा, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग नए होंगे इस चैनल में तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ली जा रही है, और किस डिपार्टमेंट में कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़ के द्वारा यहाँ पे निकाल गई है। तो नीचे में आपको यहाँ पे आवश्यक सूचना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो उसमें यहाँ पे जो बताया गया कि ये जो फॉर्म है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो ये जो आपका फॉर्म वैकेंसी निकाली गई कंप्यूटर सहायक के मनरेगा के तहत यहाँ पे निकाली गई, जो जिसमें आपको जो नियुक्ति आपको की जा रही है पूर्णता संविदा के आधार पर जो है आपको यहाँ पे नियुक्ति की जा रही है। तो आप यहाँ पे पोस्ट देख पा रहे हो कि यहाँ पे पोस्ट आपको यहाँ पे बताई गई है कंप्यूटर सहायक, यहाँ पे पोस्ट बोली गई जिसमें टोटल सीट यहाँ पे 6 यहाँ पे बताई गई है। तो अनारक्षित के लिए 3 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे कोई भी सीटें नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए भी यहाँ पे कोई भी सीटें नहीं है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें हैं। तो टोटल जो है कंप्यूटर सहायक के लिए 6 सीटें यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़, तो उसके लिए द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। अगर यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर सहायक के लिए जो अनिवार्यता योग्यता है आपको यहाँ पे जो आपको ली जा रही है, तो अगर आपने जो है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नांकित कोटि के आवेदन के दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे BSc कंप्यूटर ऑनर्स या फिर BSc कंप्यूटर सामान्य, BA BCA अगर कर रखे होंगे, या फिर सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के साथ जो है पश्चात PG DCA उत्तीर्ण किए होंगे, तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे बी नंबर में आपको जो अनिवार्य योग्यता आपको बोलिए BCA तथा सामान्य BCA कंप्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे BCA कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि को अंकित किया जाएगा, वैसे सामान्य स्नातक कौन जिन्होंने तत्पश्चात PG DCA किया हो सामान्य स्नातक के प्रतिशत के प्राप्तांक 10 घटाकर BCA कंप्यूटर ऑनर्स की कोटे में अंकित किया जाएगा। तो ये आपका जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आपको रखी गई है कंप्यूटर सहायक के लिए, एंड यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता यहाँ पे जो बताई गई है, तो यहाँ पे अतिरिक्त योग्यता में जो आपको बोली गई है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से MCA PG DCA या फिर MCA कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता यहाँ पे होगी, ये सब आपका जो है अतिरिक्त योग्यता यहाँ पे बताई गई है। तो आपको एज यहाँ पे जो आपको ली जा रही है, तो मिनिमम आपको जो है 18 ईयर्स आपको मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई है कंप्यूटर सहायक के लिए, और मैक्सिमम जो है आपको कैटेगरी वाइज आपको मैक्सिमम आपका एज यहाँ पे रखी गई, जो कि अनारक्षित कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स आपको मैक्सिमम रखी गई है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम रखी गई है, एंड महिला अनारक्षित या फिर पिछड़ा वर्ग दोनों कैटेगरी के लिए जो है 38 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है, और अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 साल जो है मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। एंड थर्ड पॉइंट में आपको यहाँ पे जो बोलेगी राष्ट्रीयता, तो राष्ट्रीयता जो आपको यहाँ पे बोला गया है आवेदक को जो है भारत का नागरिक हो तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे जो आरक्षण आपको यहाँ पे दी जा रही है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, तो रोस्टर रामगढ़ जिला को राज्य सरकार के द्वारा तत्समय प्रवीरित आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। तो आप अगर जो है भारत के निवासी के साथ साथ झारखंड राज्य के निवासी के होने के साथ अगर आप जो है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अगर स्थायी निवासी होंगे तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और उसमें आपको जो है आरक्षण आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो लोग सिलेक्टेड होते हैं कंप्यूटर सहायक के लिए, तो उनको जो है 10,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो जो नियुक्ति की प्रक्रिया आपको यहाँ पे बोली गई आपका संविदा के आधार पर यहाँ पे नियुक्ति की जा रही है, यानी यहाँ पे जो लोग सिलेक्टेड होते हैं उसको 10,000 यहाँ पे आपको सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको जो है यहाँ पे 1 वर्ष के लिए जो है आपको यहाँ पे संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, उसके बाद जैसे आपका जो है वर्क में परफॉर्मेंस होगा जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा उसके बाद जो है आपका एक्सटेंड यहाँ पे की जाएगी, आपको यहाँ पे बढ़ाई जाएगी वर्क में, ठीक है। तो नीचे में आपको देख पा रहे हो कि नियुक्ति यहाँ पे जो बोलेगी कि नियुक्ति रामगढ़ जिले के लिए किया जाएगा, तो ओनली फॉर रामगढ़ जिले के लिए आपको यहाँ पे की जा रही है, अगर आप किसी अदर स्टेट से होंगे या फिर झारखंड के अलावा के कोई भी राज्य से होंगे तो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है रामगढ़ के निवासी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो कि 7 पॉइंट में आपको यहाँ पे जो बताइए कंप्यूटर सहायक पद के नियुक्ति हेतु रामगढ़ जिले के निवासियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है, तो ओनली फॉर रामगढ़ जिले के निवासियों ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही सभी अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। तो आप अगर रामगढ़ के निवासी होंगे तो अगर
उसमें स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र जो है आपको संलग्न करना पड़ेगा। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का यहाँ पे जो डेट आपको रखी गई 2/6/2018 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे मैं आपको यहाँ पे दे पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो बताएगा कि अभ्यर्थी द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन कर सकते हैं, तो उसे आवेदन के साथ या शपथ ग्रहण पत्र देना होगा। तो अगर झारखंड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद पर है तो आवेदन समर्पित नहीं किया जाएगा। तो आप जो है किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट से जो है आप पत्र को इसमें आप दे सकते हैं। इसमें आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे शपथ पत्र के द्वारा यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो कि नीचे में यहाँ पे जो 10 पॉइंट में आपको यहाँ पे जो बोलेगी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ले जा रहे हैं, तो फर्स्ट में आपको जो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको ले जा रही है, उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा उसको यहाँ पे ले जा रही है, एन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, एन अभ्यर्थियों का पहचान पत्र जो कि यहाँ पे पहचान पत्र के तौर पर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी भी एक को यहाँ पे पहचान पत्र के रूप में आपको यहाँ पे संलग्न करना होगा, या फिर पते का जो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे बोलिए, बिजली बिल, बैंक खाता विवरण, टेलीफोन या फिर राशन कार्ड, इनमें से कोई भी एक जो है आपको पते के प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे संलग्न करना होगा, और इसमें एक किसी एक में आपको जो है पहचान पत्र के प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स है, इसको जो है आपको संलग्न करना होगा जिस टाइम आप स्पीड पोस्ट करते हैं या फिर किसी निबंधित डाक से आप सेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में आप 11 पॉइंट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बताएगी कि प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर कंप्यूटर स्किल टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। तो अगर आप जो है अधिक इसका आवेदन करते हैं, अधिक संख्या अगर आप जो है आवेदन कर देते हैं, तो उसको जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट के आयोजन यहाँ पर की जाएगी। एन अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है, तो जो भी स्टूडेंट अगर इच्छुक होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, तो उन 1/7/2020 तक जो है इस फॉर्म को आप जो है किसी भी निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पे जो एड्रेस दी गई है, उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक रामगढ़ के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रामगढ़ में भेजा जा सकता है। तो इसमें आपको एड्रेस दी गई है, तो इस एड्रेस में जो है 1/7/2020 तक जो है आप इसको स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन डाक के थ्रू जो है इसको आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड 13 पॉइंट में यहाँ पे जो बताइए कि विज्ञापन आवेदन पत्र के विस्तृत विवरण रामगढ़ के जो वेबसाइट है www.ramgarh.nic.in पर जो है आप जाकर देख सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट में आप जो है जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट जो है इसको आप जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी अगर इच्छुक होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, तो ये सबसे पहले इसका जो ऑफिशियल यहाँ पे जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपकी पोस्ट के लिए जो आवेदन करते हैं इसको आपको यहाँ पे फिल करना है, जो आपका नाम होगा यहाँ पे फिल करना है, इसको फिर अंग्रेजी में आपको फिल करना है, जो आपका पिता या फिर पति का नाम हो उसको यहाँ पे फिल करना है, स्थायी पता, वर्तमान पता, एंड यहाँ पे आपका जो फोटो होगा उसको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ पे आपको आवेदन का आपको भर लेना है। उसके बाद जो ऊपर में यहाँ पे एड्रेस दी गई थी उसमें आप जो है निबंधन डाक या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है आपको यहाँ पे सेंड करके जो है आप इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है।